दोनों साइड लगाई थी तो यहाँ पर बाल आने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जब तक बाल आते ही नहीं है ना तब तक ना मैं आप लोगों से मेडिसिन अभी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले रिजल्ट आ जाए, क्योंकि एक बार पहले भी रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद ही शेयर करती हूँ। और इतना दुख हो रहा है ना मुझे, मेरे बाल गिर रहे हैं उतर रहे हैं, ऐसे लग रहा है बाल बचेंगे नहीं, क्योंकि देखो ना मैंने व्लॉग ही नहीं लिया है, क्योंकि हम लोग ना आज सुबह सोचे थे कि व्लॉग आज स्किप कर देते, नहीं बनाते, फिर एक है ना रूटीन बन जाता है इंसान का ना, कि फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है, तो मैंने फिर से गोलू को बोला कि चला यार व्लॉग बना ही लेते हैं। तो आज मैंने ना बहुत प्यारी सी, जो कल ये कुर्ती मैंने ली थी ना मैक्स से, वो मैंने पहनी है। तो ये है मेरी पूरी कुर्ती का लुक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आप लोग फ्लॉग चैनल, जिसमें हम आपको आज दिखा रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर्स अरमान मलिक और हिरा फैसल के दो वायरल वीडियोस, जिसमें वो मिलियंस व्यूज आए हैं। उसके साथ साथ हमारा छोटा सा क्लॉप है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप एक शेयर लाइक और सब्सक्राइब हमारे हौसले बढ़ाएंगे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे इस तरह के वीडियोस मिक्स एडिट करके पेश करेंगे और हमारी सपोर्ट भी हो जाएगी। शुक्रिया। पर कुछ मीडियम मुझे आ रही है, कुछ मीडियम मुझे टाइट है, शायद कपड़े कपड़े का फर्क है। तो उनमें से तीन से चार कुर्ती है जो हमने बाहर निकाल के रख ली है, की मैक्स जाएंगे, मैक्स जाके ना चेंज करवा लेंगे। और गाइस एक बात और, मैंने और पाले ना मैक्स का हॉल बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, जरूर चेक करना। हमने जो कुर्ती है सारी कुर्ती वन बाय वन वेयर करी है और उसके फैब्रिक का बताया है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हमने कुर्तीज ली है, और आप लोग भी ले सकते हैं, बहुत ही प्यारी कुर्ती थी, सारी कुर्तीज विद लेगिंग्स पहनी है। और वो वाला जो हॉल है ना प्लीज आप मिस मत करना, जरूर देखना, ये हमारा फर्स्ट हॉल है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा ना तो प्लीज हॉल मुझे जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और हम जितनी भी ना ऐसी चीजें जो सस्ती और अफोर्डेबल हो ना वैसे वाले हॉल्स बनाए करेंगे और आप लोगों के लेकर आएंगे, ताकि आप लोग भी ले सको। साथ साथ ना कुछ किचन के भी हॉल्स लेकर आएंगे, कि किचन के जो आइटम्स हैं उसके अंदर हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं जो कि यूजफुल भी हो और साथ में अफोर्डेबल भी हो। तो गाइस अभी फाइनली टाइम मिला है हमें घर से बाहर निकलने का, घर से बाहर निकल रहे हैं, मैं बाद में बताती हूं। और अभी जाए थी दीक्षा और भैया और उनका बेटा आया था शायद घूमने के लिए, उनके साथ बैठे बैठे आधा घंटा नाम के या अब बच्चों का कुछ भी पूछो, अब हम निकल रहे हैं बाहर, निकल रहे हैं कहां के लिए, वो आपको दिखने में मिल गई है, बस अब हम वेट पे कर रहे हैं और बच्चे को लेके जा रहे हैं उसके घर, उसके मम्मा से मिलवाएंगे। तो यहां पे जो है हॉस्पिटल की तरफ से भी बहुत ज्यादा यूजर मिला है, 8000 का डिस्काउंट दिया उन्होंने पूरे बिल पे, फटाफट से बिल पे करते हैं और लेके चलते हैं आपको उसकी माँ से मिलवाते हैं। तो गाइस फाइनली इसकी नदी चेक करें, घूमे ना इस बहुत बड़े हो रहे हैं, पिंक कलर के कपड़े यार, घूमे ना मैं सीवी वाले नाम का, तुम ना घूम जाओ मैं ना घूम जाओ, कितने कुछ ऊपर लग रहे हो आप, तो गाइस बस अभी रात के 10 बज गए हैं और ना हम लोग वेट कर रहे हैं, उनकी जो दादी है ना ऊपर गई है बेबी को लेने के लिए, तो हम लोग नीचे बैठे, क्योंकि देखो बार बार निक्कू में भी नहीं जा सकते, एक बार हम निक्कू में चले गए थे बस वो आने वाले, जैसे वो आते हैं और बाहर का मौसम भी ऐसे हो रहा है, हमने उनसे पूछा कि आप बेबी को कैसे लेके जाओगे, तो उनके पास कोई कन्वीनियंस भी नहीं थी, उन्होंने बोला हम बाइक पे लेके जा रहे हैं, बट हमने बोला कि नहीं हम कार में छोड़ेंगे, पे हंसते गए एक्चुअली, बट बारिश का मौसम है अभी, अभी बारिश होके ना आ रही है तो ना हम लोग गाड़ी से छोड़ते हैं बच्चों को, दादी को हम अपनी गाड़ी उठा लेंगे भैया बाइक पे, हाँ हाँ बेबी को लेके जा रहे हैं उसकी मम्मी से मिलवाने के लिए, और जेट पे बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है मैंने कॉटन को हाथ में लिया हुआ है इतना ज़्यादा, क्योंकि उसने भी ब्लैंकेट भी है और कपड़े भी ओढ़े हुए हैं, मतलब पहले हुए हैं तब भी कम है, मुझे दिल में कह रहे हैं आज ऐसे ऐसा आया मेरे को साइज नहीं मिल सकती, जैनब हर चीज़ सबसे पहले तुमने जाके देखी, तुम लाइक कितनी प्यारी फिर आप हमारे ना क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, तो अभी एक लेडी मिली है, इनकी फीवर हो गया 1 ईयर का बेबी और बहुत तेज फीवर हो गया, अचानक से कांपने लग गया, तो बस ये लोग यहाँ पे आए हुए थे दिखाने के लिए, इससे मिलते हैं।
क्योंकि ये बच्चा फ्रीडम है ना, तो कहते हैं कि बच्चों की जो फ्रीडम बच्चे होते हैं तो चले घर चले, दिक्कत भी आ सकती है देखने में, मैं करती हूँ। मैंने भी अंकल से पूछा कि इसके चले पापा जी, मतलब उनका ध्यान मैं भी अगर पूरी चीजें कह रही है करेंगे।